ओके बच्चों, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, और इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 4 को भी करेंगे इसी वीडियो में। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब मेरे पास एक विषम पूर्णांक है, ये वर्ड ध्यान रखना, ये जो शब्द है विषम पूर्णांक ये ध्यान रखना, एक विषम पूर्णांक है 4q+1, मतलब ये दिखाना है कि जो 4q+1 है वो आपका एक विषम पूर्णांक है, या 4q+3 भी जो है वो भी आपका एक विषम पूर्णांक है, मतलब कि जो 4q+3 है वो भी एक विषम पूर्णांक के ही रूप का होता है, मतलब ये सब जो रूप है वो आपके विषम पूर्णांक को शो कर रहा है, सिंपल सी बात है, जहां q एक पूर्णांक है। चलो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने बेसिकली बोला था कि सम भी दिखाना था और विषम भी दिखाना था, तो हमने वहां पर एक नंबर माना था ए, और वहां पे हमने ए को माना था कि हमारा भाई ए जो है वो कोई एक धनात्मक पूर्णांक है ना, शब्दों पर ध्यान देना कि हमारा जो ए है वो कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक विषम पूर्णांक ही आपको दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सम पूर्णांक नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको केवल और केवल विषम पूर्णांक दिखाना है। देखो तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं कैसे, देखो वहां पर हमने माना था धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अब यहाँ पर हम धनात्मक मानेंगे, लेकिन धनात्मक के साथ साथ हम कैसा मानेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। ओके तो माना, ठीक है, माना क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, मेरे पास मान ला कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और वो पूर्णांक क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको ये दिखे, ये बताओ सम है विषम है, 4q+1, 6m, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, दैट इज आप इससे क्या कर दो, आपका जो भी यूक्लिड जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम था, ठीक है, विभाजन जो भी प्रमेय का था, आप उसे इसको कंपेरिजन करोगे, तो आप कहते हो ना बी क्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, बी की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे तुरंत बता दो तथा यहाँ पे हमारा जो बी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो बी है वो कितना है, 4 है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम भाई विभाजन वाला फंडा अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि हम ए को बी से भाग देने वाले हैं, तो ए को बी से हम भाग देते तो हम उसको क्या कहते थे, हम उसमें लगाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना, तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन, बहुत आसान है ये, ठीक है, प्रमेयिका से, बस आप एक बात जो है वो नोट डाउन कर लो, है ना, एक क्वेश्चन की एक स्टेप को पकड़ लो कि सर ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अप्लाई करने वाले हैं। देखो अब आपको याद होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप क्या बताते हो, आप यही बताते हो ना क्या, कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस वन, यही तो आपका यूक्लिड, सॉरी बी क्यू प्लस आर, यही तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। फिर आप यहां पर ये बताना नहीं भूलोगे कि जहां जहां जीरो का क्या होगा, छोटा होगा आर से या बराबर होगा आर के, या ध्यान रखना है, और आर हमेशा छोटा होगा बी से, ठीक है। अब हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अपनी वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू रखते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी, बी आपने कितना माना है, 4, तो 4q+r। अब यहां पर बताओगे जहां जीरो, ये सारी चीज वही चीज है, बस अब यहां बी की जगह क्या रख दोगे, 4, 4, ठीक है, आपने ये रख दिया। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से हम आर की वैल्यू देखते हैं कि आर की हमारी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा देखो तो हमने कहा यदि बी बराबर 4 है, ठीक है, यदि बी बराबर 4 है तो आर बराबर क्या हो सकता है, देखो आर बराबर 0 हो सकता है क्या, हमने यहां पर बताया ना कि आर की वैल्यू 0 के बराबर, तो आर बराबर 0 भी हो सकता है, आर बराबर फिर हमने कहा कि आर की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी क्या होती है, 1, 0 से बड़ी और क्या होती है, 2, 0 से बड़ी और क्या होती है, 3, 0 से बड़ी और क्या होती है, 4। अच्छा आपने कहा सर 4 हम 5 तक 6 तक भी लेंगे क्या, नहीं बात समझो मेरी, फिर आपने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया है, आपने कहा है कि जो आर की जो वैल्यू होनी चाहिए, आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से कम होनी चाहिए, आर की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपकी फर्जी है, ठीक है। तो आप आर की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे, 0 से लेकर के 3 तक, चेक कर लो, ठीक है ना, यहाँ पे जो 3 है वो 4 से क्या है, कम है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सेम वही काम फिर से करेंगे, अब हम इस आर की वैल्यू को और इस बी की वैल्यू को हम अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बार बार रखेंगे, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रखते हैं आर इज इक्वल टू 0 पर, आर इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 0, दैट इज 4 क्यू।
और आप मेरे को ये बताओ क्या ये दो से डिविजिबल है, यानी कि क्या ये जो फोर क्यूब है क्या ये दो से पूरे तरीके से विभाजित हो सकता है? हो सकता है, कैसे पता? तो आप यहाँ पे अपॉन में टू करके देख लो, ये कट करके देख लो, कट गया। तो हम क्या स्टेटमेंट अब क्या लिखेंगे, देखो बात समझना, हम क्या स्टेटमेंट लिखने वाले हैं कि चूंकि फोर क्यूब जो है वो क्या है, फोर क्यूब जो है वो दो से क्या हो जा रही है, दो से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। आपको ये क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है ना? तो अगर विभाजित हो जाती है तो फिर हमारा जो जो हमारा फोर क्यूब है, हमारा फोर क्यूब क्या होगा, फोर क्यूब हमारा क्या होगा, तब हमारा फोर क्यूब क्या होगा, एक सम होगा। अगर फोर क्यूब सम है तो फिर ए भी क्या होगा, अतः तब हमारा जो ए होगा, ए भी क्या होगा, ए भी हमारा एक सम पूर्णांक होगा। बात आ गई समझ में? तो हमें तो दिखाना था कि भाई फोर क्यूब प्लस वन हमारा एक विषम पूर्णांक है, सही बात है, तो ये तो हमारा विषम, लेकिन हमें इस वाले से मतलब नहीं है, है ना? लेकिन हमें हमारा ये एक क्वेश्चन का पार्ट भी होगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई भाई ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, फोर क्यूब भी आ सकता है। तो आप फोर क्यूब को बताओगे कि हमारी ये दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हमारा ये जो ए होगा वो तो हमारा एक सम पूर्णांक निकल गया, लेकिन आपने ए को क्या माना, आपने ए को एक विषम पूर्णांक माना है ना। चलो अच्छा, अब हम क्या रख दिया जाए, अब फिर से रख देते हैं यदि, है ना, यदि आर बराबर वन, आर बराबर वन रख करके देख लेते हैं। तो आप रखो यूक्लिड अपने विभाजन प्रमेयिका में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा फोर क्यू प्लस वन, ठीक है? अब फोर क्यू प्लस वन है, तो देखो अब आप ये बताओगे कि क्या ये फोर क्यू प्लस वन है, देखो आप ये बताओगे कि ये जो है दो से विभाजित, दो से बात समझना, दो से विभाजित नहीं है, दो से विभाजित नहीं है। और अगर ये दो से विभाजित नहीं है, देख लो ना, चेक कर लो ना, दो से कहाँ विभाजित होगी, ये फोर क्यू प्लस वन है तो ये कहाँ दो से विभाजित होगी, कटेगी क्या, नहीं कटेगी, ऐसा नहीं काटते। यहां पर मान लो अगर दो होता तो हम टू से टू कॉमन ले लेते, फिर वो हमारा कट जाता। तो ये फोर से हमारा विभाजित, मतलब सॉरी, ये हमारा दो से विभाजित नहीं है। तो अगर ये दो से विभाजित नहीं है तो फिर हमारी ये कैसी होगी, तो हमारी जो फोर क्यू प्लस वन है, फोर क्यू प्लस वन है वो कैसी होगी, एक विषम, सॉरी, एक विषम धन पूर्णांक, एक विषम धन पूर्णांक होगा। तो आपको फोर की प्लस वन पता चल गया कि फोर की प्लस वन हमारी एक विषम धन पूर्णांक है, ठीक है? सिमिलरली हम अब किस पर चेक कर लेंगे, आर इज इक्वल टू दो पर चेक करेंगे। यदि आर इज इक्वल टू दो, तब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर क्यू प्लस आर की जगह कितना रखना है आपको, दो रखना है। तो अब देखो आप इसको चेक करो, आप इसको दो से भाग दो, देखो आपने कहा सर दो से भाग देते हैं, फोर क्यू प्लस दो बटे दो, देखो यहां से दो से दो क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या बचा, क्यू प्लस वन अपॉन दो, कट गया ना, कट गया, मतलब ये जो फोर क्यू प्लस टू है वो आपका दो से विभाजित हो जा रही है, बात समझना, आपका जो है वो दो से विभाजित हो जा रही है। तो अगर वो दो से विभाजित हो जा रही है तो हम कहेंगे कि ये जो है दो से, भाई सम विषम आप ऐसे तो बताते हो, है ना, दो से विभाजित हो जाती है या हो जा रही है। तो अगर हो जा रही है तो हमारा ये जो ए होगा वो क्या होगा, एक सम होगा, है ना, ए सम है, ए सम है, मतलब हमारा जो फोर क्यू प्लस टू है वो भी क्या है, एक सम है। लेकिन आपको तो ये बताना नहीं है, अरे बस में, लेकिन ये भी आपके क्वेश्चन का एक पार्ट ही होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट सिमिलर आप क्या कर लो, यदि आर बराबर तीन, जैसे ही आपने आर बराबर तीन रखा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर फोर क्यू प्लस थ्री। अब आप इसको चेक करो, दो से भाग दे करके देखो, ये नहीं कटेगा, या फिर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप क्यू की वैल्यू कुछ भी रख करके देखो, हमेशा आपको एक विषम वैल्यू मिलेगी, है ना, तीन पांच सात ऐसे करके मिलेगा। तो आप कहोगे कि ये हमारा दो से विभाजित नहीं है, तो अगर दो से विभाजित नहीं है तो हमारी ये एक विषम संख्या है। कैसे संख्या है, विषम संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः हमारा हमारा जो जो विषम सॉरी हमारा जो धनात्मक ना धनात्मक जो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या मिल रहे हैं आपको, देख लो, धनात्मक विषम पूर्णांक आपको क्या क्या मिल रहे हैं, फोर क्यू प्लस थ्री मिल रहा है और एक फोर क्यू प्लस वन मिल रहा है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू
प्लस वन या फोर क्यू प्लस थ्री के रूप में होगा। अगली बात ये आपका हो गया पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ना, आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है ना। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आप समझ रहे हो, बहुत आसान है ये, ठीक है ना। डिफिकल्ट लग रहा है आप कमेंट करके बताओ, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फोर। ओके सर, ये एग्जाम्पल नंबर फोर है, उदाहरण नंबर चार, एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है, याद रखना 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, ढेरी का मतलब एक ऐसे लाइन बनाना चाहता है, ठीक है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, ठीक है ना। मतलब वो एक ऐसी ढेरी, मतलब एक ऐसी लाइन बनाना चाहता है कि सभी लाइनों में जो बर्फियों की जो संख्या है वो समान रहे, तथा ये ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे ना। मतलब परात का मतलब कोई एक बर्तन हो गया, एक कोई ऐसा बड़ा सा एक बर्तन हो गया, और इस बर्तन में ऐसे ढेरी लगाना चाहता है बर्फियों की, ये ठीक है। अच्छा, उसको अब देखो ध्यान रखना है, उस दुकानदार को ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, मतलब सब समान होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ तक ये आपने लगाया, ये आपने लगाया, और यहाँ पे आपने रखा 40, यहाँ 40, यहाँ 40, और यहाँ आपने रख दिया 30, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तथा ये ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, और ये जो ढेरियां हैं वो न्यूनतम स्थान घेरनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। अब बात समझो, आपने कहा सर कि हमें परात में जो है बर्फियों का न्यूनतम स्थान घिराना है, ठीक है। तो न्यूनतम स्थान अगर घिराना है, मतलब कि आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी ढेरियां लगानी पड़ेंगी, है ना। मतलब कि ऐसे समझ लें, हम ये कह सकते हैं कि हमें एक, मतलब न्यूनतम स्थान घेरने के लिए हमें काफ़ी लंबी ढेरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मतलब अधिकतम, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सर हमारी जो अधिकतम जो ढेरियों की जो संख्या होगी वो क्या हो सकती है, अब सोचो, बात समझो। तो हमने कहा सर अधिकतम, अब हमारा एक वर्ड आया अधिकतम, तो अधिकतम के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या निकालते हैं, एससीएफ निकालते हैं, आरी भाषा में अधिकतम के लिए हम क्या निकालते हैं, एससीएफ ही तो फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो सिंपली हम क्या कर ले, मेरे पास ये जो दो नंबर हैं, है ना, 420 और 130, हम इन दोनों का क्या निकाल लें, हम इन दोनों का निकाल लेते हैं एचसीएफ, यानी कि मसा, ओके, आगे बात समझ में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो बात समझ, सिंपल, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूज करने वाले हैं वही अपना यूक्लिड, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था, ठीक है, विभाजन प्रमेय का, हम उसका यूज करने वाले हैं, और उसका यूज करके हम इसका निकालने वाले हैं एचसीएफ। तो सर मैंने कहा हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास है 420, ओके, तथा 130, है ना, 130 पर हम क्या लगाने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, ठीक है, प्रमेय का हम लगाते हैं। तो आपने कहा सर ये 420 मेरा बड़ा है, तो 420 भाई जो है वो मेरा बड़ा है 130 से, तो 420 को हम मानेंगे ए, ठीक है, और 120 को हम मानेंगे बी, अप्लाई करते हैं, ओके सर। तो आपने कहा 420, एक बार हम पहले लिख लेते हैं क्या होता है मेरा यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ये होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आप ये बताना कभी भी नहीं भूलोगे, क्या कि हमारा जो r होता है, r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और r हमेशा b से छोटा होता है। यहाँ पर रखते हैं हमारी a की वैल्यू कितनी है, 420 इज इक्वल टू b कितना है, सॉरी यहाँ पर 130 है, ठीक है, b कितना है 130 इनटू, सर आपने कहा q सर क्या रखा जाए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डिवाइड, आपके पास है 130 और आपने लिया 420, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, 26 33 39 13 52, चार बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप तीन बार में ले जाओ, ठीक है, तो क्या हो गया, ओके, तो आप ले जाओ थ्री टाइम में ले गए, कितना हो गया, ओके 390, सब कितना आ जाएगा, लगभग ये आ गया आपका 30, तो शेष साल आपका कितना बचा, 30 बचा, कोई बात नहीं, है ना। तो 130 गुणे 3 प्लस 30,
फिर आप क्या बताओगे कि भाई यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो अभी भी जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि जो हमारा शेषफल है वो जीरो के बराबर नहीं है। और अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हम फिर से इसमें यूक्लिड डिवीजन, हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, हम फिर से अप्लाई करने वाले। फिर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अप्लाई करोगे, तो अब ये जो आपका बी है ठीक है, और आपका ये जो शेषफल है आप इसको फिर से लोगे, यानी कि अब आपका ये जो 130 है ठीक है ना, अब आपका 130 फिर से बन गया क्या, भाजक, ठीक है, सॉरी भाज्य, 130 आपका फिर से क्या बन गया, भाज्य बन गया, और ये जो 30 है ये आपका बन गया भाजक गुणे में। अब सर फिर से क्या करना चाहिए, तो फिर से आप यहाँ पर ट्राई करोगे है ना, ये सारा का सारा काम आपका रफ में होना चाहिए। तो आपने कहा सर मेरे पास 30 है और मेरे को लाना है 130, तो लगभग कितनी बार मिले जाए हम, 3 × 4 = 12, लगभग 4 बार मिले जाए, 120 कितना बच गया, 10 बच गया ठीक है। तो शेष पर फिर से हमारा 10 बच गया, कितनी बार में, 4 बार में, प्लस 10। और देख लो, देखो हमेशा चेक करना कि इन दो, अब सब इन इन सभी का आप अगर ऑपरेशन करोगे तो आपका 130 आएगा, वो वाला ऑपरेशन नहीं है ना, जोड़ घटाने वाला है ना, तो आप हमेशा 130 आएगा। आप अब इससे अपना मतलब वो भी चेक कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। चलो आपने कहा सर फिर से हमारा नहीं आया, फिर से हम कहेंगे कि शेष हमारा जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, भाई जीरो के इक्वल नहीं, तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे। अब हम सर क्या लेंगे, तो फिर से यहाँ पे देखो हमारा ये जो बी था और हमारा ये जो आर था, तो अब फिर से हमारा जो 30 है ठीक है ना, 30 हमारा फिर से क्या बन जाएगा, 30 हमारा फिर से भाज्य बन जाएगा, और हमारा जो 10 होगा वो फिर से बन जाएगा भाजक। ओके अब सर क्या किया जाए, तो 10 सेम वही काम फिर से, भाई क्या करना है इसमें, 10 तिहाई 30 आ गया, 0 आ गया, तो गुणे 3 + 0, तो ये आपका बी है, तो है ना, ये आपका बी है आ रही बात समझ में, तो यही जो बी होगा, यानी कि आपको अपने 10 का टेबल बढ़ाओ, 10 की टेबल में आपका जो है वो 0 आ गया, तो आपने कहा कि सर हमारा जो 10 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा मासा हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो आप क्या कह दोगे कि अतः 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 दिख रहा है आपको, ओके ये आप चीजें नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलो अतः अतः बस आप समझ लो ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दो। अतः मैंने कहा कि 420 ठीक है ना, और 130 का जो हमारा मासा होगा वो कितना होगा, 10 होगा है ना, ये लेते हैं हमेशा है ना, हमेशा बी को हम मासा मानते हैं, तो इसके लिए मतलब हमारा जो मासा हो गया वो क्या हो गया, 10 हो गया, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि विक्रेता को ढेरियों की संख्या कितनी बनानी पड़ेगी है ना, मतलब कम से कम वो 10 ढेरियों मतलब कम से कम उसको 10 ढेरियां बना सकता है ठीक है। आदि दोस्तों ने क्या कह सकते हैं इसको, हम इसको ये कह सकते हैं उसे कम से कम 10 ढेरियां जो हैं वो बना सकता है ठीक है ना, मतलब जो ढेरियों की संख्या होगी सभी मिठाई सभी प्रकार की मिठाइयों के लिए वो ढेरियों की संख्या होगी 10 ठीक है, तो सिंपल सा बस ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके आगे इतनी बात समझ में, चलो तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट हो गया, एग्जांपल के सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं, कैसा लगा आपको ये जो भी मैंने सारी जो चीजें बताई हैं ये आप कमेंट करके बता दो, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज जो कि होगा आपका प्रश्नावली 1.1 ठीक है। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आपके जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके साथ में जो भी भाई बहन पढ़ते हैं आप उनको ये सारे के सारे वीडियोस आप शेयर कर सकते हो। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के साथ, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।